गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान कृष्ण शास्त्र विषय में जो हमारा प्रदर्शन विधि चल रही थी उसी को कंटिन्यू आज करेंगे। प्रदर्शन विधि को इसके अंतर्गत प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते समय किन मुख्य तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए और इसके लाभ और दोष क्या है, आज हम इसको पूर्ण करेंगे। सबसे पहले प्रदर्शन को प्रयोग करने के संदर्भ में इसके तथ्य, तो कल हमने प्रदर्शन विधि को जाना था जिसके अंतर्गत हमने इस कंसेप्ट को समझ लिया था। प्रदर्शन क्या होता है कि कक्षा कक्ष में बेहतर शिक्षण को पढ़ाने के लिए प्रदर्शन का सहारा जाता है जिससे विषय वस्तु को आकर्षक और रोचक बनाया जा सकता है। अब हम जानेंगे प्रदर्शन विधि के संदर्भ में मुख्य तथ्य। इसके मुख्य तथ्य में आ जाता है सबसे पहला कक्षा में सभी छात्रों को दिखाई दे रहे। जिस प्रदर्शन का उपयोग किया जा रहा है वो प्रदर्शन क्लासरूम में सभी छात्रों को दिखाई दिया जाना चाहिए। सभी कक्षा में जब सब बच्चों को दिखाई देगा तब प्रदर्शन प्रभावी होगा, इसलिए कक्षा में सभी छात्रों को दिखाई दिया जाए। सेकेंड, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था। जब टीचर क्लासरूम में प्रदर्शन का प्रयोग कर रहा है तो उस प्रदर्शन को समझाने के लिए प्रयास जो पर्याप्त प्रकाश होता है उजाला, उस उजाले की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर तौर पर दिख सके, इसलिए खुले में उजाले में इसको प्रयोग लेना चाहिए। खड़े साधारण उपकरणों का जब प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग और प्रदर्शन के लिए जो साधारण उपकरण होता है उन्हीं का मुख्यतः प्रयोग करना चाहिए ताकि प्रदर्शन बेहतर तौर पर और आसानी से उपलब्ध हो सके। संप्रत्यय स्पष्ट हो। जब क्लासरूम में प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है जो कंसेप्ट होता है संप्रत्यय होता है, ठीक है ना, उनको स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि उस प्रदर्शन के माध्यम से संप्रत्ययों को आसानी से समझाया जाना चाहिए, तो इसलिए संप्रत्यय स्पष्ट हो इस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए। अगला है शिक्षक प्रदर्शन को मौखिक रूप से समझा। जब क्लासरूम में प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक उस प्रदर्शन को मौखिक रूप से समझावे और उसको अच्छे से समझाए ताकि प्रदर्शन प्रभावी बने, यानी कि शिक्षक को उसको समझाना होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रदर्शन जो भी हम दे रहे हैं क्लासरूम के लेवल और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी रुचि के हिसाब से प्रदर्शन देने होते हैं, तो ये इसके संदर्भ मुख्य तथ्य होते हैं जो हम प्रदर्शन के संदर्भ में जाना। अब जान लेते हैं प्रदर्शन के संदर्भ में इसके गुण अथवा लाभ। कौन कौन से लाभ होना चाहिए? पहला, मानसिक विकास में सहायक। सेकेंड, स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान। थर्ड है सक्रिय वातावरण एंड फोर्थ है अध्यापन को रोचक बनाने में सहायक। ये प्रदर्शन के संदर्भ में
इसके लाभ बताया गया है कि प्रदर्शन से बच्चों के मानसिक विकास सहायता होता है। बच्चों में प्रदर्शन के माध्यम से उसको देखकर समझ के तर्क क्षमता विकसित होती है, मानसिक क्षमता विकसित होती है, बच्चों के प्रति एक वैज्ञानिक सोच निर्मित होती है और वो जान पाते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन प्रयोग में लिया गया, जैसे साइंस जैसे प्रदर्शन होते हैं जो काफी क्या बच्चों की मानसिकता का विकास करते हैं। स्पष्ट होता है स्थायी ज्ञान, प्रदर्शन के प्रयोग से जो ज्ञान दिया जाता है वो स्पष्ट होता है, वो स्थायी होता है और बेहतर तौर पर दिया जाता है। सक्रिय वातावरण, क्लासरूम का वातावरण सक्रिय हो जाता है, बच्चे एकदम से इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बच्चे एकदम सजीव रूप मतलब सक्रिय रूप में कक्षा कक्ष में बने हुए रहते हैं। तो इस तरह से क्लासरूम का जो एनवायरमेंट है वो सक्रिय और सजीव हो जाता है और फोर अध्यापन को रोचक बनाने में सहायक, जो टीचिंग है क्लासरूम की उस टीचिंग को इंटरेस्टिंग और रोचक बनाने में ये क्या प्रदर्शन सहायक होता है। तो ये है इसके लाभ। अब इसके लाभों को स्पष्ट करने के बाद हम जान लेते हैं कि इस प्रदर्शन विधि में दोष कौन कौन से है। इसकी सीमाएं या दोष, इसकी सीमा और दोष को हम समझते हैं। प्रदर्शन में सभी छात्र सक्रिय रहते हैं, यह सोच गलत है। इसकी एक सीमा एक दोष यह बताया गया है कि प्रदर्शन में सभी छात्र सक्रिय रहते हैं, ठीक है, एक्टिव बने हुए रहते हैं, सक्रिय बने रहते हैं, ये सोच मानी जाती है प्रदर्शन के संदर्भ में कि सभी छात्र सक्रिय रहते हैं, पर ये सोच गलत है क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। क्लासरूम में कुछ बच्चे तो इंटरेस्ट ले लेते हैं, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ पाता या उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो इस तरीके से ये सोच गलत होती है कि सभी छात्र सक्रिय रहते हैं, ये बात गलत है, सभी बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसमें अमूमन देखा जाता है। सेकेंड है छात्रों की मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। प्रदर्शन के संदर्भ में यही कहा जाता है कि इसमें छात्रों की मौलिकता का विकास होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, छात्रों की मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। मन बुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी। क्लास में जो एक्टिव बच्चे होते हैं, उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए सही, लेकिन जो मन बुद्धि के बालक है वो उसको नहीं दे पाते। प्रदर्शन सबके लिए मतलब एक ही समान बनाया जाता है, तो मन बुद्धि के बालक उसको स्पष्ट और उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये प्रदर्शन के संदर्भ में इसके दोष है। इसको और दोषों को हम समझ लेते हैं कि प्रदर्शन के लिए और क्या क्या कमियां इसमें पाई जाती है। जैसे नेक्स्ट है यह विधि शिक्षक प्रदान है, कहा जाता है यदि शिक्षक प्रदान है यानी कि अध्यापक इसमें ज्यादा एक्टिव रहता है और छात्र इसमें ज्यादातर भाग ले पाते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं और अध्यापक बोलता है, अध्यापक समझाता है, उसको देखते हैं। तो एक तरह से शिक्षक प्रदान विधि के तौर पर यह प्रदर्शन माना जाता है। इसके बाद अगला है छात्रों के बड़े समूह में यह अप्रभावी। जो छात्रों का बड़ा समूह होता है यानी कि बड़ी क्लास होती है, ठीक है, उस बड़ी क्लास में देखा जाता है कि प्रदर्शन ज्यादातर अप्रभावी रहता है क्योंकि बड़े समूह में बच्चों को एक साथ प्रदर्शन बताना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कम ग्रुप वाला बच्चा होगा, कम बच्चे होंगे तो आसान है, लेकिन बड़े समूह में थोड़ा सा अप्रभावी हो जाता है। अगला है शिक्षक की
पूर्व में अपूर्ण तैयारी, शिक्षक की पूर्व में अपूर्ण तैयारी। हो सकता है कि क्लास में टीचर की इसके मतलब कोई तैयारी नहीं हो, वो एकदम सब प्रदर्शन लेके आवे, तो इस तरह से अपूर्ण या अधूरी तैयारी में प्रदर्शन को प्रभावी नहीं बना सकती है। और इसमें अंतिम है यह प्रयोग छात्रों द्वारा स्वयं नहीं किया जाता, बच्चों द्वारा स्वयं प्रदर्शन का प्रयोग ही किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि बच्चे इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं और बच्चों में सही से विकसित मतलब जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रदर्शन विधि जो होती है इसके मुख्य तथ्य, दोष और इसके गुणों को समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, प्रदर्शन विधि की प्रदर्शन विधि के लाभ एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए। प्रदर्शन विधि क्या है जो आज क्लास में जाने से आपको अपना असाइनमेंट करना है, कोविड समय में घर रहना सुरक्षित करना है, अपने आप अपने परिवार को स्वास्थ्य ध्यान रखना और इसके खिलाफ इसके नियमों कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।